Take a listen in to what Raman Singh is saying in his reaction. और इसके लिए मैं जवाबदार हूँ. इसके साथ ही साथ हम अपनी विपक्ष की एक सशक्त भूमिका जो हम छत्तीसगढ़ की जनता को जनता के साथ मिलकर 5 साल एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी. 15 साल जो हमने काम किया अब एक नई भूमिका में उतने ही प्रखरता से उतनी मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करने का जो अवसर मिलेगा उस पर हम छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा करेंगे. और सभी को मैं इस अवसर पर जिन्होंने इस पूरे मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की जनता का जितना प्रेम जितना सहयोग जितना समर्थन मिला मैं जीवन भर काम करता रहूंगा तो उस ऋण से मैं उलझ नहीं हो सकता. सर 15 साल डेवलपमेंट मॉडल लेकर आप लोगों के बीच पहुंचे थे, आखिर चूक कहां रह गई, कुछ इसकी समीक्षा पार्टी ने किया? इसका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. इसका एनालिसिस हम लोग बैठ के पार्टी के अंदर बैठेंगे. जो हमारे इलेक्शन कैंपेनिंग में जितने लोग लगे थे जितने हमारे वरिष्ठ लोग हैं संगठन के लोग हैं सरकार में जो लोग थे सबके साथ बैठेंगे और इसकी चर्चा करेंगे कि कमी रही तो कहाँ रही और उसको आगे कैसे हम ठीक करेंगे. आपने इसकी जिम्मेदारी ली लेकिन कांग्रेस का कहना है कि डबल एंटी इनकम्बेंसी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दोनों के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसी की वजह से राज्य सरकार का चुनाव होता है. राज्य सरकार की नीतियों के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है, राज्य सरकार के कार्यक्रम के आधार पर लड़ा जाता है. इसलिए राज्य सरकार अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ी, अपने घोषणा पत्र पर चुनाव लड़ते हैं. इसमें ये कोई दिल्ली का चुनाव नहीं, दिल्ली का चुनाव 2019 को होगा, फिर उतने ही मजबूती से हम लड़ेंगे. सर कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या ज्यादा अट्रैक्टिव रहा, घोषणा पत्र को लेकर हर समय बात आई? अब क्या विषय था इसके लिए आज उस सारी बातों का एनालिसिस मैं नहीं कर सकता जब तक हम लोग बैठ कर इन सारे बिंदुओं पर. रमन सिंह दे आर एक्सेप्टिंग डिफीट, दैट ऑफ कोर्स इज अ कॉन्क्रीट रिएक्शन दैट्स कमिंग इन फ्रॉम हिम. Now in Chhattisgarh, the Congress party is all set to end Bharatiya Janata Party's 15-year rule in the state. The trend suggesting that Raman Singh will be denied a fourth term. He has, of course, just accepted defeat as well. Chhattisgarh has 90 seats and voting was held in two phases and the total turnout was around 76.6%. A loss in the state, which has been a stronghold for the BJP, is a huge blow for the ruling party. The Raman Singh government has faced several corruption allegations. The Congress based its agenda on the ruling party's corruption charges and the agrarian crisis. Chhattisgarh has traditionally witnessed a direct contest between the Congress and the Saffron Party. This year, for the first time, the state has been denied, has also seen a third front for the elections. An alliance between former Chief Minister Ajit Jogi's JCC and Mayawati's BSP. But the experiment has failed as the Congress is registering a landslide victory as per the trends.